नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शंकर सामग्री। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हवन सामग्री बनाने की विधि एवं अनुपात। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पहला लेना है देवदार 200 ग्राम, देसी घी 200 ग्राम, काला तिल 200 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम, जौ लेना है 50 ग्राम, गेहूँ 50 ग्राम, गुगुल 50 ग्राम, पंचमेवा 5 प्रकार के मेवा मिलाकर दोस्तों आपको लेना है 50 ग्राम, लवंग 10, लाची 10, चावल साबुत 100 ग्राम, लाल चंदन भूरा 50 ग्राम, सफ़ेद चंदन भूरा 50 ग्राम, सूखा आंवला 50 ग्राम, इंद्रजव लेना है दोस्तों 50 ग्राम, अष्टगंध की डिब्बी 1, कौलगट्टा 25 ग्राम। चलिए दोस्तों, अब हमको दिखाते हैं देवदार। दोस्तों देखिए है 250 ग्राम, ये दोस्तों देखिए गाय का देसी घी 200 ग्राम, काला तिल दोस्तों देख लीजिए 200 ग्राम काला तिल, 200 ग्राम गुड़, जौ 50 ग्राम, गेहूं 50 ग्राम, और यह है गुगुल, गुगुल लेना है 50 ग्राम। पंचमेवा देखिए दोस्तों मैंने लिया है 5 प्रकार की मेवा मिलाकर, किशमिश, छुहाड़ा, काजू, गरी, मखाने के लावे, लाची और कुछ लौंग। देखिए दोस्तों ये चावल है साबुत, चावल साबुत 100 ग्राम, इंद्रजव 50 ग्राम, कौलगट्टा 25 ग्राम, और ये अष्टगंध की डिब्बी है एक, और ये है सूखा आंवला 25 ग्राम, चंदन भूरा सफ़ेद 50 ग्राम, और ये है लाल चंदन भूरा 50 ग्राम। तो चलिए दोस्तों, इन सब वस्तुओं को हम एक एक में मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका हवन सामग्री तैयार हो गया है, सभी वस्तुओं को हमने इसमें मिला दिया है, ये देख लीजिए तैयार हो गया है हवन सामग्री। आप इसे नवरात्र के कलश स्थापना में यूज कर सकते हैं, गृह प्रवेश पूजन सामग्री में, हवन सामग्री में आप यूज कर सकते हैं, सत्यनारायण कथा में आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पूरी तरह मिला दिए हैं।